नमस्कार दोस्तों, वी मोशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट करना, जिसमें आपको MP3 कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, EVI कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और MPG कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। मुख्य देखने जाएंगे तो इसमें MP3 कैसे कन्वर्ट करते हो, उसे एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कोई भी MP4 फाइल को या किसी वीडियो फाइल को आप MP3 बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाना चाहते हैं, वो आपका टॉपिक में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ से MP4 या कोई भी वीडियो है जिसकी आपको आवाज़ ज़रूरी है और उसे ऑडियो फाइल बनानी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी MP4 या कोई भी वीडियो फाइल आप ला दें। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये MP4 वीडियो है बराबर, और इसे हमें MP3 में कन्वर्ट करना है। इसलिए कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल को ओपन कर लेना है, फिर सबसे पहले कर्सर टाइमलाइन कर्सर को आगे लाना है और आई दबाना है और लास्ट में जाके ओ दबाना है। उसके बाद F11, आपको पता ही है कि कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करने तो शॉर्ट की है F11, यहाँ से आपको दबाना है F11। F11 दबाने के बाद आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है और जहाँ ऑडियो दिया हुआ है वहाँ क्लिक करना है। यहाँ से आपको KBPS दिया गया है कि कौन से चैनल में आपको करना है, तो AC3 में 1.25.5.1 में आप कर सकते हैं बराबर, इनमें से आपको 44.8 KBPS में ले सकते हैं, 5.1 चैनल में ले सकते हैं, जैसी क्वालिटी आपको चाहिए आप इसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वहाँ क्लिक करना है, हम यहाँ 5.1 चैनल 640 KBPS हाई क्वालिटी पे लेते हैं जिसके हमें उसका वॉइस अच्छा मिले, इसके लिए यहाँ क्लिक करना है, फिर एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में आप कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ आपका फोल्डर है वहाँ ले सकते हैं। तो हम यहाँ करते हैं 001 बराबर मेहंदी लिख डालते हैं ताकि बाद में पता चले, यहाँ से सेव करना है। तो जैसे भी आप कन्वर्ट करके फास्ट कन्वर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट होगा और आपको ऑडियो फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये ऑडियो फाइल बन गई है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वीडियो में कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। यहाँ से हम बंद कर देते ताकि उसे आसानी से उतारा जा सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल लाइन में भी आप ले सकते हैं इसे। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे हमें MP3 बना सकते हैं ताकि उसका आवाज़ भी आ सकता है, अच्छा क्वालिटी मिलता है। बहुत से लोगों को पता नहीं, वो कन्वर्ट करने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से जाकर वहाँ उसे MP3 बनाते हैं, फिर उसे एडिट में लेते हैं। इसलिए आपको अब एडिट में से बाहर जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो कुछ भी होगा वो उसके इसी सॉफ्टवेयर में होगा। MP3 आप बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी का एक्सपोर्ट हम तब बताएंगे जब हमें कोई प्रोजेक्ट कैसे एक्सपोर्ट करना है उसे, वो उसी वीडियो में हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त फक्त MP3 कैसे बनाया जाता है वो है इस टॉपिक में। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।